अब देखिए अपने 11x प्लस 15y बराबर माइनस 23 समीकरण नंबर एक, 7x माइनस 2y बराबर 20 समीकरण नंबर दो। अब देखो ये संख्या एक प्लस के अरे के माइनस, लेकिन यहां 15 है यहां 2 है, 15 है, इनको बराबर करना है। तो ये 15 दुना 30 और इस 2 को 15 से कर देने, 15 दुना 30, 15 वाले को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा ना, और 2 वाले को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 15 से। तो अपने कहेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 को 15 से गुणा कर देगा, ठीक है। ये 11 को 2 से कर दो, 11 दुना 22 हो गया, प्लस 15 दुना 30 वाई बराबर 3 दुना 40 समीकरण नंबर 3 हो गए। नीचे वाले को 15 से करना पड़ेगा, 15 सत्ता 105 ये हो गया, माइनस 15 दुना 30 वाई बराबर 20 को 15 से करेंगे 300 समीकरण नंबर 4। अब देखो 30y 30y एक प्लस का है एक माइनस का, अपने को चिन्ह तो बदलना ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, जोड़ने लगा हुआ है कट गया, 22x 5 2 7 2 1 कितने हो गए 127 बराबर। ये 300 प्लस के हैं, 46 माइनस के घट जाएंगे, 300 किसके हैं प्लस के हैं, 46 किसके हैं माइनस के, 300 में से 46 घटेंगे, 4 5 254 आगे x बराबर 254 बटा 127, 127 दुना 254, x का मान कितना आ गया 2 आगे, x का मान समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक में रखने, समीकरण एक कितनी थी, 11x प्लस 15y बराबर माइनस है 23 यही थी ना, मान किसका अपने पास x का, तो 11 गुणा x का मान कितना है 2, 11 गुणा 2 हो गया, प्लस 15y बराबर माइनस कितने हैं 23, कितने हैं 11 गुणा कितने हो गए 22 प्लस 15y बराबर माइनस है 23, पक्षांतरण है 15y बराबर माइनस 23। ये देखो यहां कोई चीज नहीं है, किसका है प्लस का, आगे जाके किसका हो गया माइनस का, 15y बराबर माइनस के दोनों जुड़ गए कितने हो गए 45, y बराबर माइनस 45 बट्टे कितने हो गए 15, एकम 15 दुना 30, 15 तिया किसके 3 आ गए माइनस के 3, एस का मान आ गया 2 और वाई का मान आ गया माइनस है 3, माइनस है, ठीक है, कर सकते हैं इसको।